इस बीच केलंग में नागरिक उपमंडल अधिकारी रजनीश शर्मा ने लाहौल स्पीति जिला में क्षय रोग के उन्मूलन को लेकर विभागों व गैर सरकारी संगठनों की सक्रियता और जन सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपायुक्त कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय क्षय रोग उन्मूलन समिति, जिला टीबी फोरम व राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने प्रभावी टेस्टिंग और जागरूकता गतिविधियों को बढ़ाने को कहा। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोशन ने बताया कि जिला में क्षय रोग के 35 मरीज उपचाराधीन हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक देश को क्षय रोग मुक्त करने, जबकि हिमाचल को वर्ष 2023 के अंत तक क्षय रोग मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। 2025 का है टीबी एलिमिनेशन का, तो हिमाचल में जो है 2023 में एलिमिनेशन का टारगेट रखा है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे चीज़ें जो हो रही हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चल रहा है। एक अलग से जो है हमारे स्टेट की एक फंडिंग भी है, जिसको मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना के नाम से किया गया है, और बहुत सारे जो है टीबी के जो है इनोवेशन ये हमारे स्टेट में हो रहे हैं, तो हम भी उन्हीं के अंतर्गत जो है अच्छे से अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने लोगों में ये फैला पाएँ कि ये मैसेज दे पाएँ कि भी टीबी जो है बहुत सिंपल और क्यूरेबल है, और इसका ट्रीटमेंट फ्री है, इसका डायग्नोसिस फ्री है, सब कुछ इसका फ्री है। जस्ट जो है आपको आना है, इसका जो है टेस्टिंग टूस्टिंग बहुत जगह पे हमारे यहाँ हो रहा है, तो इन सब बातों के बारे में चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि लोग क्षय रोग से संबंधित जानकारी के लिए टीबी आरोग्य साथी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-11666 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।